हेलो, मैं शौकत मिर्जा बोल रहा हूँ। यस बॉस, फरमाइए क्या हुक्म है। सुर्ख गुलाब पहुंच चुके हैं शौकत, तुम फौरन जाकर टीचर से मिलो। घबराओ नहीं, तुम हमारे खास आदमी हो और अख्तर अली अपने खास आदमियों का खास ख्याल रखता है। ठीक है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। कहीं जा रहे हैं आप? जी। कहां? जहन्नुम में। तुमसे मतलब? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया कि काम पे जाते वक्त मत धोखा करो। आपको मालूम है शबा को बुखार है? अरे बुखार ही हुआ ना, कोई कैंसर तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे। देखो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, डॉक्टर को बुलाना और उसे दिखा देना। बच्चों को दवा के अलावा बाप की शफकत की भी जरूरत होती है। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो कि मुझे शब्बू से कोई मोहब्बत नहीं, इस घर से कोई प्यार नहीं? तो फिर ये दिन रात की दौड़ धूप किसके लिए होती है और इतनी ढेर सारी दौलत में किसके लिए कमा रहा हूं? किसके लिए? नहीं चाहिए मुझे ये दौलत, जो काले धंधे से कमाई हुई हो। आप जानते हैं ये जुर्म है। जुर्म वो होता है जो साबित हो जाए और मुजरिम वो होता है जो पकड़ा जाए। हमारी जिंदगी में ये वक्त कभी नहीं आएगा शकीला बेगम। देखिए शौकत, मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि बुराई का रास्ता छोड़ दीजिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। शौकत, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत जोड़ो मेरे सामने भिखारियों की तरह हाथ, तुम्हारे आंसू मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानती शकीला, दौलत आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये किसके पास कहां से आती है कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं तो सिर्फ कार, बंगला, बैंक बैलेंस। और सुनो, तुम्हें आखिरी बार समझाए दे रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन अपने कारोबार को नहीं। हेलो हेलो, खालिद फ्रॉम गुलबर्ग। सारा इंतजाम मुकम्मल है सर, आज मुजरिम हमसे बचकर नहीं जा सकेगा। रजिया नन्हेहाली को सैर कराने गई। क्या? घबराइए नहीं, आया भी साथ है। उसने मैंने सोचा है मैं अपने बेटे आली की पहली सालगिरह किसी बड़े होटल में मनाएंगे इंशाल्लाह। अगर तुम में से किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कौन है तुम, क्या चाहते हो? पनाह, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। ये एक मुहिब्बे वतन शहरी का घर है, यहां तुम्हें पनाह नहीं मिल सकती। लेकिन तुम्हें इस थोड़ी सी मेहरबानी के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। जानते हो इस ब्रीफ केस में क्या है? ये भरा हुआ हीरों से। हाँ, हीरों से। हीरों के लालच में हम अपना जमीर नहीं बेच सकते। निकल जाओ यहाँ से। औरत, इस्तापोल, पर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। आपने कानून की मदद की, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू। चलो
ए इंस्पेक्टर, मिस्टर मोहिब वतन, इन हीरो को तो शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन तुम दोनों के इस एहसान को मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। शौकत, तुमने जो अपने लिए रास्ता चुना था, आज उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। तो क्या तुम समझती हो कि मेरी सारी जिंदगी हवालात और जेल के अंधेरों में गुजर जाएगी? नहीं शकीला, नहीं। दौलत हर मर्ज का इलाज है। तुम देखना मेरी जमानत आज ही होगी, आज। और केस तो कच्ची पेशी पे ही उड़ जाएगा। शायद ऐसा हो जाए शौकत, मगर तुम्हारी दौलत अखबार में छपे इंसान लफ्जों को नहीं मिटा सकती। जो इंसान ठोकर खाकर भी ना संभले, उसे सिर्फ हमदर्दी करने को जी चाहते। तो क्या तुम सिर्फ हमदर्दी करने आई हो मुझसे? नहीं, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम तो अपने किए पे पछतावा नहीं, मगर मैंने जिल्लत की इन परछाइयों से दूर जाने का फैसला कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? हाँ शौकत, तुम्हें तो कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मगर अपने कारोबार को नहीं। तुम्हें तुम्हारा कारोबार मुबारक हो, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, बहुत दूर। और मेरी बेटी? उसकी फिक्र नहीं करो, उसके लिए मैं भी जिंदा हूँ, उस पर तो दुख का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अम्मी, हम जान से जा रहे हैं। हाँ बेटिया। अब क्या हम किसान नहीं जाएंगे? उन्होंने हमें छोड़ दिया है। अम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दाग रहने के लिए होते हैं, रह जाएंगे। वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाएगा।
जी मैं खान बहादुर कलीम बेग बोल रहा हूँ। जी फारूकी साहब, क्या वो आपके कहने के मुताबिक मिसेस शेरवानी को हमने अतिया भिजवा दिया था? नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, बेवाओं और यतीमों की मदद करना तो हम अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। या दिने इस वक्त नहीं, माफी चाहता हूँ, इस वक्त मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जी यकीनन, खुदा हाफिज। तीनों हजरात, किसी महफिल में जोश मली आबादी मरहूम ने रक्स की तारीफ करते हुए फरमाया था कि रक्स आजा की शायरी है, और मेरे नजदीक शायरी का रक्स संगीत है। शायरी जब मीठे सुरों में ढलती है तो रक्स करती है, मगर ये रक्स नजरों के लिए नहीं, दिल के लिए होता है, दिमाग के लिए होता, रूह के लिए होता। मुझे प्यार है उन सब से जो संगीत से प्यार करते हैं। मैं आपका और आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस तकरीब में बुलाकर इज्जत बख्शी। को तो शायद मैं भूल जाऊं, लेकिन तुम्हारे इस एहसान को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। क्या बात है सर? उस औरत को देख रहे हो खालिद? यस सर। इसे अच्छी तरह से पहचान लो, हमें इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए, समझ गए? समझ गया सर। आप अभी तक कॉलेज नहीं गए? मोमन, बस मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। 100 रुपए दीजिए ना। अभी तो 200 रुपए कल दिए हैं। वो 200 रुपए वो तो कब के खत्म हो चुके। और ये 100 रुपए? देखिए ना मामा, मैंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, कैंटीन का बिल देना है, 200 के साथ घूमना फिरना है और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर क्या खबर लाए हो खालिद? सारी मालूमात हासिल कर ली है सर। बेवा है, दिलकुशा होटल की मालकन है, और ये दिलकुशा होटल उसके इकलौते बेटे आली के नाम है। मैं एहतियातन आली की तस्वीर भी ले आया हूँ। बहुत खूब, अब हम बहुत जल्द अपना पुराना कर्ज चुका देंगे। कर्ज? हाँ, बरसों पहले हम इस औरत के घर पनाह लेने पहुंचे थे। इसके शौहर का इनकार हमारी बर्बादी का बाइस बना, सजा हुई, बीवी साथ छोड़कर चली गई। आज आज इस औरत को देखकर हमारे सारे पुराने जख्म हरे हो गए। अब हम इसे चैन से नहीं रहने देंगे। खत्म कर दो इसके बेटे को। वाकये की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन दर्ज करानी चाहिए। मगर मम्मी, हमें ये पता नहीं वो लोग थे कौन। यकीनन किराए के गुंडे होंगे बेगम साहिबा। ये जमाना बड़ी तरक्की कर गया जी, जिसके हाथ में 100 का नोट रखो जिसे चाहे कत्ल करा लो। मगर हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर वो कौन है जो हमारे बेटे को मार डालना चाहता है? हेलो जी, मैं बेगम शिराजी बोल रही हूँ, आप कौन है? शौकत मिर्जा नाम है मेरा, शायद आप नाम से नहीं पहचानेंगी मुझे बेगम शिराजी। देखिए मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, आप काम की बात कीजिए। काम की बात यह है बेगम साहिबा कि मुझे आपके इकलौते बेटे आ
खाली की जान चाहिए। बदतमीज आदमी, तुम मेरे सामने होते मैं तुम्हारा मुंह नोच लेती। चिल्लाइए नहीं बेगम साहबा, चिल्लाइए नहीं। एक बार आपके शौहर के रवैये और आपकी बदसलूकी पर मुझे भी इसी तरह गुस्सा आया था। याद कीजिए जब परसों पहले आप दोनों ने मुझे अपने घर में पनाह देने से इनकार कर दिया था। जहां मैं वही बदनाम स्मगलर शौकत मिर्जा बोल रहा हूं। गौर से सुनिए बेगम साहबा, आज खुशकिस्मती से आपका बेटा मेरे वार से बच गया है, लेकिन मैं जो कुछ सोच लेता हूं उसे पूरा जरूर करता हूं। अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहने के लिए तैयार रहिए, वो मेरे इंतकाम का निशाना बनकर रहेगा। मम्मी खैर तो है? मुंशी ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। इसी बात का तो रोना है बेगम शिराजी, ऐसे लोगों के दिल में न कानून का एहतराम है न खुदा का खौफ। बहरहाल आप इत्मीनान रखिए, कानून आपकी और आपके बेटे की पूरी हिफाजत करेगा। डीआईजी साहब समझ में नहीं आता वो उसका दुश्मन क्यों बन गया है, उसने उसे मार डालने की धमकी दी है। मेरा इकलौता बेटा है, अगर खुदा ना करे उसे कुछ हो गया तो। आप हिम्मत से काम ले बेगम शिराजी, आप तो उस बहादुर इंसान की बेवा है जिसने कानून के एहतराम के लिए आज से बरसों पहले एक मुजरिम को अपने घर में पनाह ना देकर बहुत रोशन मिसाल कायम की थी। क्या नाम बताया आपने उस स्मगलर का? शौकत मिर्जा। शौकत मिर्जा, आप फिक्र ना करें, मैं जाती इंटरेस्ट लेकर इस मामले का खोज लगाऊंगा। और मत भूलिए कि मुजरिम कितना ही चालाक हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। ये तुम्हारा वहम है बरखुरदार, हम बेईमानी का हर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अब किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता कि हम क्रिकेट की इन गेंदों में हेरोइन छुपा के भेज रहे हैं। What an idea! You are great! I must say you are a genius, sir! सर आप हर दफा स्मगलिंग का एक नया अंदाज इख्तियार करते हैं। यही वजह कि कानून के लंबे हाथ हम तक नहीं पहुंच पाते, और जब तक हमारे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री काम कर रही है कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत चालाक मुजरिम है आईजी साहब। बेगम शिराजी की रिपोर्ट के बाद मैंने खुद तहकीकात की है और मुझे यकीन है कि माजी का स्मगलर शौकत मिर्जा बैन अल-अक़वामी स्मगलरों के गैंग का सरगना के भी है। लेकिन इसका क्या सबूत है? सर सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो तरीकेकार आपके साथ डिस्कस किया है उसके मुताबिक हम केबी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। केबी को समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है, बहुत बड़े दिमाग की। हमारा ये मिशन जरूर कामयाब होगा। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर अभी अभी इत्तला मिली है कि पुलिस ने बेगम शिराजी के घर को अपनी खुसूसी तवज्जो का मरकज बना लिया है। हमें मालूम था कल ये ऐसा होगा। पुलिस जब हमें गिरफ्तार करने के लिए इस किस्म के मंसूबे बनाती है तो हमें बहुत लुत्फ आता है। एक मशवरा था सर, आपको इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि परेशान होने की जरूरत नहीं है खालिद मियां। पुलिस से हमारी आंख मचोली कोई नई बात नहीं। तुम मारिया से कांटेक्ट करो, उससे कहो कि वो भेष बदल कर फौरन बेगम शिराजी के घर पहुंच जाए और हमें पल पल की तला दे। हमें मारिया की सलाहियतों पर नाज है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का फन खूब जानती है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप हमें स्वरूप में देखकर हैरान ना हो, इस बात का सबूत है कि पापी पेट की खातिर इस दुनिया में आकर सब कुछ करना पड़ता है। हाय सोनी रब की जात है बाबा, सब किस्मत की बात है बाबा। हाय
शहजादा पसंद कर ले तो औरत लेडी डायना कहलाती है, और बाजार में आकर मच मचमाए तो बेचारी जमीला बन जाती है। हाँ तो भाईजान, कदरदान, मेहरबान, खेसा पॉकेट से होशियार रहना। जहाँ चार शरीफ होता है वहाँ चोर भी होता है, जंगल में शेर ही नहीं मोर भी होता है। अभी खेल स्टार्ट होता है, जबरदस्त तालियां। शाबाश शाबाश बच्चे जमुने। यस मैडम। अरे ये सारा तो अंग्रेजी बोलता है। अरे भैया पब्लिक पर ज्यादा रोक ना जमा, अपनी सरकारी जुबान उर्दू में बात कर, जो पूछेंगे बतलाएगा बतलाएगा। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ बच्चे जमुने, हमारे बाजू में जो साहब खड़ा है उसके पॉकेट में क्या है? बाबरा शरीफ की तस्वीर। अच्छा अभी पता चल जाता है। बाबरा शरीफ मगर क्या जमाना है साहब, कहाँ बाबरा शरीफ और कहाँ बाबा। अरे बड़े मियाँ कुछ तो ख्याल करो, इस उम्र में हेरा फेरी ठीक नहीं है, बीवी को पता चल जाएगा ना तो झगड़ा हो जाएगा। बुरी बात है, आइंदा ना करना। चलो जाओ। हाँ तो भाईजान, कदरदान, मेहरबान। अस्सलाम अलैकुम। ये सब तुम्हें देखकर चले क्यों गए? नहीं लगती हो इस शहर में। अरे हम जहाँ भी जाते हैं भीड़ छट जाती है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि हम दादा है इस इलाके के। निकाल 10 रुपए। मगर हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है, बिना वजह हम किसी को पैसे नहीं देते। लेकिन हम हर एक से वसूल करते हैं, और इनकार करने वाला कोई माई कलाल अभी पैदा नहीं हुआ। माई होने में क्या देर लगती है, जरा पकड़िए। थानेदार जी, ये लड़की तो हमें भी उल्लू बना गई है। मुंह क्या देखते हो, पीछा करो। हजरात, नए दौर और नई नस्ल का मकबूल तरीन डांस डिस्को, जिसे आपकी खिदमत में पेश करेंगी हमारी आज की मेहमान डिस्को क्वीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग हैंड फॉर मिस शिवा। बच्ची तुमको ढूंढ लिया, अभी हम तुमको नहीं छोड़ेगा।
your stomach. Miss Shiva? Oh, Miss Shiva, आपका तो मेकअप खराब हो गया। इसकी वजह? ये जाहिल और गवार लड़की है। Stupid! हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेगा। जंगीदार, क्या तमाशा लगा रखा है? मैनेजर साहब, ये जालिम की बच्ची ने आंख चुरा कर हमसे अंदर आ गया। हम खुद बात करेंगे, तुम चलो। हाँ, तुम चलो। साहिब, लगता है पहले कहीं देखा है आपको। ओह, यू इशारा। क्यों इशारा? क्या किया है मैंने? अच्छा, जैसे अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हारी वजह से मिस शीबा का मेकअप खराब हुआ, हमारा सारा प्रोग्राम बर्बाद हो गया। और तुम कहती हो कि आके मत दिखाइए साहब, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो आपका चौकीदार है ना, ये सारा फड्डा उसने किया है। अगर वो हमको आराम से अंदर आने देता तो ये फड्डा कभी ना होता। वो अकड़ कर बोला, ओए जालिम की बच्ची, हम तुमको अंदर नहीं जाने देगा। मजबूरन हमें धोखा देकर अंदर आना पड़ा। ओ, मगर क्यों, किस लिए? इसलिए साहिब कि बाहर रहना अंदर आने से ज्यादा खतरनाक था। चले ना, जो होना था वो तो हो चुका। हम आपके मेहमानों से माफी मांग लेते हैं। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? तुमने हमारे सारे डिस्को शो का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कौन गाएगा गाना? हम गाएंगे गाना साहिब, आपकी जवानी की कसम, हम बहुत ठीक ठाक गाते हैं। तुम और डिस्को गाना गाओगी? साहिब, ये डिस्को किसको का हमको नहीं मालूम, मगर ऐसा रंग जमाएंगे अगर मजा ना आया तो हमारा नाम भी जमीला नहीं। मगर एक बात है साहिब, गाएंगे हम अपनी स्टाइल से। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, मैं देखता हूँ मिस शीबा का मेकअप ठीक हो गया कि नहीं। हमारा रंग देसी है, हमारा तन, हमारा मन, हमारा ढंग देसी है। तो भैया जरा देना तबले पे ताले, दिखाएंगे हम आज अपना कमाल।
साहब। हाँ मैनेजर साहब, हम तो समझे थे कि आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया, इसलिए आप चले गए। हमको क्या मालूम कि आप अपनी माँ जी को लेने गए हैं। उस छुपेट जी मेरी माँ नहीं है, मालकन है उस होटल की। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम जमीला है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। यूं लगता है मैनेजर साहब को आपने सिफारिश पर रखा है। क्या मतलब, एकदम बुद्धू है। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि माँ और मालकन में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, आप भी नहीं जानते। हाय, माँ तनख्वाह पर प्यार देती है और मालकन पैसे, आप समझेंगे। बहुत बोलती हो तुम। काश मैं थोड़ी देर पहले बेगम साहब को यहाँ ले आता तो वो आकर तुम्हारी बेहया का तमाशा देखती। हाय 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 हाय, ना हुआ हमारे पास चक्कू, वरना अभी सीने में खोक कर मर जाते। नहीं नहीं, हिम्मत हिम्मत। अरे छोड़िए मालकन, यहाँ तो अजीब सिस्टम है। लड़की मर्दों की तरह पतलून पहनकर तन की बोझी बोझी न जाए तो डिस्को कहलाए। हमने अपने स्टाइल से पब्लिक का दिल बहलाया तो बेहरा हो गए। ये तो वही बात हुई है ना साहब, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सिस्टम है। बाखूब बाजार में डाल रही गली तो तमाशा दिखाने यहाँ आ गई हो। कौन है आप लोग? मालकन, ये गुंडे हैं, गुंडे। भुगतान है? नहीं नहीं, कमाल भी बुरी बात है, पुलिस को फोन। अरे आप भी कमाल करती हैं मालकन, ये भी कोई बात है जिसके लिए पुलिस बुलाई जाए? 10 रुपए हैं, जरा जल्दी करो निकालो। माफ करना भैया, इस नोट के खातिर तुमको बहुत भागना पड़ा। बात क्या है, उस वक्त थोड़े पास थे नहीं। नहीं जाने अजीज, अब 10 नहीं 50 रुपए होंगे। 50 रुपए? ये गुंडा टैक्स है या इनकम टैक्स जो हर साल बढ़ता रहता है? देखो बदमाश भैया, हम तुमको 50 रुपए नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, लेकिन हम अपना टैक्स वसूल करना खूब जानते हैं। नहीं नहीं मैनेजर साहब, ये हमारा मामला है, आप इसमें दखल ना दें। सुना था गुंडों के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं और तुम हाथापाई पर उतर आए हो, और उत्साह से ही। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा भी कुछ सिस्टम है, हमें भी गुस्सा आ सकता है। तेरे गुस्से की तो बिल्कुल तैयार है। It's here on the table right in front of my eyes. नहीं 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 सर, नहीं, वो है ये कि
मैं ये माल खुद लेकर कल किसी फ्लाइट से बैंकॉक पहुंच जाऊंगा। आपसे अगली डील्स भी तो करनी है ना। जा, जा, जा। अच्छा अच्छा प्रॉफिस प्रॉफिस। माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है आपका। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई? आज से तुम यही रहोगे। क्या 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 हम यहाँ रहेंगे? ये मजाक तो आपके घर से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं फैसला करने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करती। तुमसे मिली बहुत खुशी हुई और फिर जब तुमने ये बताया। हमने जो कुछ बताया वो झूठ भी तो हो सकता है। हो सकता है हो सकता है, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। यही तो मुसीबत है। बहरहाल तुम यहाँ रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी तो हमें भी बहुत होगी बेगम साहिबा, मगर आप देख चुकी हैं कि हमारी तबीयत में कितना शोर शराबा है। कोई हमारे सामने अपनी दुम पर खड़ा हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। ये बात नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं है, जज्बात नहीं है, बस हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। अरे तुम्हारा ये मुख्तलिफ सिस्टम ही तो हमें पसंद आया। बोलो यहाँ रहोगी ना? अब तो रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हम अब्दुल बाबा के घर जाकर अपने कपड़े ले आते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब उन कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आओ, आओ आ जाओ। शाबाश। यहाँ कौन कौन रहता है बेगम साहिबा? यहाँ मैं और मेरा बेटा आली। शादीशुदा है? अरे नहीं नहीं अभी छोटा है। इस अलमारी को खोलो। देखो है ना तुम्हारे नाप के कपड़े। लेकिन लेकिन ये कपड़े? ये मेरी बेटी रजिया के हैं। रजिया कहाँ है? वो हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, फिर लौट कर नहीं आई। सहेलियों ने आकर बताया दरिया में डूब गई है। बहुत खोज लगाई मगर उसकी लाश नहीं मिली। तब से आज तक मैं उसकी सालगिरह मनाती हूँ। हर साल नया जोड़ा बनाती हूँ। इस तरह दीवानी ममता को चैन आ जाता है। अब ये कपड़े तुम्हारे काम आएंगे। तुम जब ये कपड़े पहनोगी तो मुझे समझोगी मेरी रजिया लौट आई है। मेरी रजिया लौट आई है। यहाँ आकर हमें इतनी मोहब्बत और अपनापन मिलेगा, यहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेगम साहिबा हम रजिया की जगह तो नहीं ले सकते, मगर वादा करते हैं हम बेटी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्या बात है कमाल मियां, इतने परेशान क्यों हो? मासी ये जो शान है ना इसे मैं आज बहुत मारूंगा। एक घंटे से बाथरूम में घुसी हुई है। शान जल्दी करो, मैं मजीद वेट नहीं कर सकता। जरा हिम्मत से काम लीजिए भैया, आप बाथरूम में मुझसे ज्यादा देर लगाते हैं। मासी जरा चप्पल देना। कोई जरूरत नहीं है, जल्दी निकलो। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओ मासी मासी तुम इतना काम ना किया करो, तुम पहले ही दिल की मरीज आओ, कुछ आराम भी करो। देखो बेटा मैंने तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह पाला है, अगर मैं आराम करूंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? लीजिए खाली हो गया बाथरूम, जाइए जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, अगर इतनी जल्दी थी तो बाहर खेतों में चले जाते, खुद बाथरूम में दो दो घंटे लगाते हैं। जाइए मैं आपसे नहीं बोलती। अच्छा ये अच्छा है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं।
अरे पगली, एक तू ही तो है जिस पर मैं अपना गुस्सा उतार लेता हूँ। एक दिन तू भी पराई हो जाएगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। अच्छा बस बस, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको बेगम शराजी के यहाँ नहीं जाना। अरे बाप रे। तुम? हाँ, हमको नहीं पहचाना। अरे हम वही हैं जिन्हें आपने जाहिल और गवार कहा था। अब तो हम पढ़े लिखे लग रहे हैं ना? जनाब ये बात चीज ही ऐसी है। मगर तुम ये कर क्या रही हो? हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। हाय कितना अच्छा दुपट्टा है, बहुत सज रहे हैं आप। तभी से बात करो। देखिए भट्टीचार साहब, मैनेजर साहब। हाँ हाँ मैनेजर साहब, ये होटल नहीं है जहाँ आपका जोर चलेगा, ये घर है हमारी मालकन का और हमें यहाँ बड़ी ठीक ठाक पोजीशन मिली है। क्या मिल गई है? पोजीशन? दो दिन में अंग्रेजी बोलने लग गई। तुम बहुत तेज लड़की हो, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था। मगर हैरत इस बात की है कि बेगम साहब कैसे तुम्हारे चक्कर में आ गई। देखिए मैनेजर साहब, हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। एक नंबर की फ्रॉड लड़की हो, मैं देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे सिस्टम को भी। क्या क्या कर लेंगे आप? गुंडों की पिटाई का नजारा याद ना रहा हो तो एक नमूना और दिखाऊं? अरे अरे ये क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बेगम साहिबा, कुछ नहीं। हम तो इनके दुपट्टे की लंबाई नाप रहे थे। दुपट्टा? जी हाँ बेगम साहिबा, गांव की है ना, इसलिए इसका आपको दुपट्टा समझ रही है। हाँ, बहुत भोली लड़की है, इसकी यही मासूम बातें तो हमें अच्छी लगती है। कमाल मियां कैसे आना हुआ? बेगम साहिबा स्टाफ सैलरी का चेक लेने हाजिर हुआ था। तैयार है मुंशी जी, चेक दे दीजिए। अच्छा लीजिए साहब चेक। थैंक यू। सुनिए, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। अरे काल, अभी ढूंढ ही रही थी तुझे ये नजर हमारी, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। छोड़ो यार, तुम परसों होटल आने का वादा करके गए और आए नहीं। यार वो नुकसान नहीं है? कौन नुकसान? नुकसान ना। अच्छा कोई होगी? वो कहने लगी कि आज होटल जाओगे तो कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई पिक्चर देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम ही बताओ, जब नया नया पीस घेरना हो तो नखरे बड़े उठाने पड़ते। अच्छा एक बात बताओ। क्या? ये हर वक्त तुम्हें इश्क का भूत क्यों सवार रहता है? इसमें मेरा क्या कसूर है? घर वालों ने नाम रखा आशिक अली, अब आशिक अली इश्क नहीं करेगा तो क्या दलाली करेगा? वैसे तुम यहाँ कैसे? यार वो एक लड़की है। और तुम्हें उससे प्यार हो गया है? हरगिज नहीं, मेरा बस चले तो मैं उसे थाने में बंद करवा दूं। इससे बेहतर है कि तुम उसे मेरे इस गरीब खाने में बंद करवा दो। अबे नहीं यार, वो बहुत फ्रॉड लड़की है। वो पता नहीं क्या चक्कर चलाकर मेरी होटल की मालकन बेगम शिराजी के घर पहुंच गए। सद के जाऊं कि ना जाऊं, वो तो बहुत तेज रफ्तार हसीना है, रिक्शे के मीटर से भी ज्यादा तेज। तुम क्या चाहते हो? यार मैं उसका खोज लगाना चाहता हूँ कि वो कौन है, कहाँ से आई है, ऐसा ना हो बेगम शिराजी को चक्कर देकर 9-11 हो जाए। मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए? मशवरा अभी देता हूं। सेटिस्फेक्शन, ये सिगरेट जो है मेरे दिमाग का मीटर जो है वो ऑन कर देता है। तरकीब नंबर 14। उसकी असलियत जानना चाहते हो? हाँ। तो उससे झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाओ। इससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उसकी सारी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी और दूर रहकर तुम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, करीब रहकर तुम उसका सारा जुग्राफिया जान जाओगे। और करीब रहने के लिए मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। जमीला बीबी, अपने कमाल साहब आए थे जी। अच्छा। हाँ जी, वो होटल के मैनेजर है ना, आपके नाम ये चिट्ठी दे गए। कमाल साहब हमारे लिए खत दे गए? जी हाँ। मुंशी जी हमें तो पढ़ना वरना आता नहीं, आप जरा पढ़ दीजिए ना। ये गए दिनों की बात है बेगम साहब, जब मैं डाकखाने के बाहर बैठा करता था, 2 रुपए चिट्ठी लिखने का और 2.25 रुपए पढ़ने के लिए करता था। लेकिन आपका तो मामला ही और है। ये जी कोई प्राइवेट बात ना हो जी। क्या प्राइवेट बात? प्राइवेट? हाँ जी, कमाल साहब कह रहे थे कि इस चिट्ठी का बड़ी बेगम साहब को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा
फिर तो कुछ जरूर खास बात होगी, जरा जल्दी से पढ़िए ना। आप कहती हैं तो पढ़े देता हूँ जी मैं। क्या हुआ, पढ़ते क्यों नहीं? लिखा है जी, 2 अदद पाजामे, 7 अंडरवियर और 7 बनियाने। ये क्या बकवास है, ये खत कमाल जब हमारे लिए देगी। तो बीबी जी, ये मैं किसी लॉन्ड्री से ले आया हूँ। मेरा ख्याल है कमाल साहब से मिस्टेक हो गई है। दूर दूर तक जवाब नहीं तुम्हारा। कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें एक मोहब्बत भरा खत लिख कर दिया, तुम इसके बदले में यार कह दिया ना कि गलती हो गई है। जिंदगी में पहली मर्तबा इश्क करने की कोशिश की है और वो भी झूठा। तुम मजीद कोई मशवरा दे सकते हो या मैं जाऊं? ठहरो, सोचते। सिगरेट दूं? नहीं नहीं, मैं हमेशा अपना सिगरेट पीता हूं। कमाल, तुम एक काम करो, हिम्मत करके उस लड़की के सामने जाओ और डायरेक्ट उससे इजहार मोहब्बत कर दो। ज्यादा से ज्यादा वो बुरा मान जाएगी, सारी कहना और वापस चले आना। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मशवरा नहीं? मेरी जान, तुम हमारे मशवरे पर अमल तो करो। जमीला, माफ करना फजी सर साहब, आपके तो सारे बाल खराब हो गए, सारे कपड़े भी गीले हो गए। इसमें हमारी कोई खता नहीं है, सारा कसूर आपका है। वो कैसे? देखिए ना, हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। जब हमें कोई प्यार से आवाज देता है तो हमारे दिल का घोड़ा बितक जाता है। वैसे आज आपने हमें इतने प्यार से क्यों पुकारा है? क्यों जमीला, तुम्हें बुरा लगा है? नहीं। थैंक यू जमीला। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। पहले ये बताइए, आज आप कहीं से रसमलाई तो खाकर नहीं आए? नहीं नहीं, तो ईमान से बिल्कुल नहीं। तो फिर अचानक आपकी आवाज में इतनी मिठास कहाँ से आ गई? जमीला, यही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मुझे तुमसे, मेरा मतलब है तुम मुझे। कमाल साहब, आप इस वक्त यहाँ? सलाम अलैकुम जी, मैं दरअसल ये बताने आया था कि आप जो बताने आए थे वो बाद में सुनेंगे, पहले आप ये बताएं कि आपको ये हुलिया कैसे बिगड़ा? हुलिया? ऐसा लगता है आप किसी गंदे नाले में गिर गए हो। जी हाँ, ओ जी नहीं, दरअसल एक गाड़ी करीब से गुजर गई तो मेरे कपड़े खराब हो गए। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, शाम को फिर आ जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है कमाल साहब, मालकन से नहीं मिलेंगे? अभी नहीं, फिर किसी वक्त। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इल्म कहता है कि तुम इश्क नहीं कर सकते। यार तुम करते हो अंग्रेजी में इजहार इश्क, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, सीधी तरह उससे जाके कहो। सुने हो, चलना जे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, ईमान से आज इजहार मोहब्बत हो जाता, बस वो मालकन का बेटा अचानक आ गया ना। यार कल क्या करोगे? यही तो तुम मुझे बताओ, उस्ताद इसीलिए तो माना है। उस्ताद माना है, तुम्हारे उस्ताद के पास एक आखिरी मशवरा है, लास्ट चांस फॉर यू। क्या? तुम्हें गाना आता है? गाना तो मुझे बहुत अच्छा। बस फिर गाने के जरिए इजहार मोहब्बत कर डालो। यार वो मुझे अकेली मिले तब ना। हमें उस्ताद माना है ना, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। कल तुम होटल नहीं जाओगे। क्यों? पानी में भीग जाने की वजह से तुम्हें फ्लू हो गया। फ्लू हो गया? तुम्हारा बुहार इश्क की जरूरत है और जरूरत इजाज की माँ है। इजाद की माँ है, बात समझ आ गई? हाँ। तो बस ठीक है, तुम जाओ, बाकी सब काम मुझ पे छोड़। बाबू, हमारा मतलब है कमाल साहब यही रहते हैं ना? जी,
मैं उनकी छोटी बहन हूँ। हमारा नाम जमीला है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम कमाल साहब से मिलने आए हैं। तुझे ऐसा है कि कमाल साहब घर पे नहीं है? कमाल साहब घर पर नहीं है, जुबान दिखाओ। बहुत जल्द तुम्हारी जुबान काली होने वाली है। वो क्यों? झूठ बोलने की वजह से। आपका मतलब है मैं झूठ बोली हूँ? 100% कमाल साहब की तबीयत खराब है और वो इस वक्त अपने कमरे में लेटे हुए हैं, है ना? अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हो सकते हैं? अरे जमीला, तुम यहाँ कैसे? क्यों जनाब, हमारे यहाँ आने पर आपको इतराज है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आओ बैठो। देखो तुम्हारे आने की वजह से मेरा बुखार भी उतर गया। मगर आप इतने नाजुक मिजाज हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। जरा सा पानी में भीगने से आपको बुखार हो गया? नहीं, बात ये नहीं है। किस्सा दरअसल यूं है कि जब मैं दिल की बात किसी को नहीं कह सकता, मुझे बुखार हो जाता है, कम से कम 104। हुई 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 हुई, ये तो बड़ी डेंगरस बीमारी है। क्या बीमारी है? डेंगरस। अच्छा, यू मीन डेंजरस? हाँ वही। अच्छा देखिए जनाब, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, हाँ? तो इसका इलाज ये है कि आप दिल की बात फटाफट कह दें। दिल की बात कह दूं? कह दे। भला इसमें क्या है मेरी खता, मेरा दिल जो तुम पर आया है। भला इसमें क्या है मेरी खता, मेरा दिल जो तुम पर आया है। इस दिल पे किसी का जोर नहीं, चचा गालिब ने फरमाया है। भला इसमें क्या है मेरी खता, मेरा दिल जो तुम पर आया है। हो शेर हो तरन्नुम हो, मेरे सीने में दिल नहीं तुम हो। नगमा हो शेर हो तरन्नुम हो, मेरे सीने में दिल नहीं तुम हो। मौसम में दिल की पहली बारिश हो, किसी मासूम दिल की ख्वाहिश हो, किसी मासूम दिल की ख्वाहिश हो। लगता है खुदा ने फुर्सत में ये प्यारा रूप बनाया है। भला इसमें क्या है मेरी खता, मेरा दिल जो तुम पर आया है। ऐसी लगती हो तुम हजारों में, जिस तरह चांद हो सितारों में। ऐसी लगती हो तुम हजारों में, जिस तरह चांद हो सितारों में। तुम में क्या बात है खुदा जाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। धड़कन में मोहब्बत जागी है, आंखों में प्यार समाया है। भला इसमें क्या है मेरी खता,
मेरा दिल जो तुम पर आया है। जमीला क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं मैनेजर बाबू। फटीचर बाबू? मैनेजर बाबू। फटीचर बाबू? फटीचर बाबू। अब फटीचर बाबू कहना अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे जो कुछ भी कहो मुझे अच्छा लगता है। यही तो हम सोच रहे हैं, पहली बार मिले तो आपके दिल में हमारे लिए नफरत थी, कुछ ही दिनों में ये नफरत प्यार में कैसे बदल गई? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। आज तक दुनिया का कोई आशिक इसका जवाब नहीं दे सका। मुझे तुमसे प्यार होना था सो हो गया, अब तुम मुझे ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बता दो। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? हमारा नाम जमीला है, यहाँ आए हैं आपके बुलाने पर, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कल पूछ लीजिएगा क्योंकि हमें घर चलना है, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। मुझे पता था ये बहुत तेज लड़की है, इतनी आसानी से अपना जोग्राफिया नहीं बताएगी। हेलो शान, मेरी बात तो सुनिए। जी फरमाइए। मेरा नाम आली है और तुम्हारा नाम शान, अगर हम दोनों में दोस्ती हो जाए तो हम दोनों मिलकर आली शान बन जाएंगे। देखिए आली साहब, मैं लड़की हूँ जरा और किस्म की, मुझे मस्करे लोग अच्छे नहीं लगते। क्या मैं आपको मस्करा लगता हूँ? ये मस्करापन नहीं तो और क्या है, जब आप मुझसे मिलते यही कहते। देखिए मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर अब आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। I don't like this attitude. Nonsense. जब भी मिलता है प्यार जताता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आपको? मैं बताती हूँ, वो अपने आप को समझता है रांझा और तुम उसे लगती हो हीर, और वो तुम्हारे साथ पकाना चाहता है प्यार की खीर। तो भाई पका लेने दो ना। हाँ जी क्या है? शट अप यार। देखो शान, दिल जलाने से कोई फायदा नहीं, तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो ना? यस। तुम्हें मिल जाएगा। रियली? यस। ये तुम हम पे छोड़ दो, कल से ना वो तुम्हें रोकेगा और ना टोकेगा, और तुम्हारे सामने तुम्हें देखकर चुपचाप सर झुकाकर चला जाएगा। ओके। आली साहब, हमें आपसे बात करनी है। फरमाइए। हम दोनों शान की सहेलियां हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे बुलवाने के लिए शान ने आप दोनों को भेजा है? जी नहीं, हम आपको एक मशवरा देने आए हैं। कहिए। आप शान को ना छेड़ा करें, अगर उसके डैडी को पता चल गया तो मुझे जेल भिजवा देंगे। बेशक। आपको शायद मालूम नहीं कि शान डीआईजी साहब की बेटी है। डीआईजी साहब की बेटी? बहुत गुस्से वाले हैं वो। आली साहब, हमने तो आपको समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज और नैला चले। दिल से निकाल दो क्योंकि वो डीआईजी साहब की बेटी है। What? Yes. तुमने मुझे डीआईजी साहब की बेटी बना दिया? हाँ। Oh my God. अब मुझे पता चला कि वो बेचारा मुझे देख के डर क्यों जाता है। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया,
लो और सुनो, अब शान को आली से हमदर्दी हो चली। एक कहीं ये हमदर्दी प्यार में ना बदल जाए। क्वाइट पॉसिबल। ये आंखों में मेरी नींद ना आए तो क्या करूं, दिल से तेरा ख्याल ना जाए तो क्या करूं। हेलो, कैसे? ठीक हूँ। अरे मुझसे खफा हो? नहीं तो? तो फिर इस बेरुखी का मतलब? देखो आली, अगर सहेलियों ने कह दिया कि मैं डीआईजी की बेटी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उन सबसे मेरी कुट्टी हो गई। आओ दोस्ती कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, अब अपने दोस्ती अपने पास रखें। शेर टोनी के इशारों पे नाचते हैं।
धोनी। यस बॉस। ये हमारा ले पालक बेटा अकबर है। इसके वालिद अख्तर अली मरहूम के हम पर बहुत एहसान है। सच पूछो तो हमें इस मकाम तक पहुंचाने में उनकी इनायत का बहुत बड़ा दखल है। कहिए। जी सर। अकबर भी आज ही अमेरिका से आला तालीम हासिल करके वापस आए हैं। और सुनाओ, काम वाम कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है सर। बेगम शिराजी के मिशन का क्या हुआ? सर वो अभी तक तो कोई इत्तला नहीं मिली। कमाल है भाई, खालिद जैसे इस्लामाबाद से वापस आए उसे कहो कि वो मारिया को फौरन टेलीफोन करे। जी सर। हेलो। जी हाँ, बेगम शिराजी का घर है। तुम? जमीला जी, किसका फोन था? किसका फोन था ये तो नहीं मालूम मालकन, अलबत्ता कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? किसी का कोई आदमी इस घर में जासूसी कर रहा है। किसका आदमी? क्यों कर रहा है जासूसी? इसी बात का तो पता लगाना है मालकन। तुम पता लगा लोगे? क्यों नहीं, आप तो अच्छी तरह जानती है कि हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। एनी न्यूज़ खालिद? ये सर, वो मैंने बेगम शिराजी का मारिया को फोन किया था, वो वहां पर मौजूद है, लेकिन हैरत की बात है कि उसने हमारे कोर्ट का जवाब नहीं दिया। हो सकता है वो जवाब देने की पोजीशन में ना हो। नो प्रॉब्लम, तुम ट्राई करते रहो। राइट सर। सर, सेंट्रल एक्सचेंज से इत्तला मिली है कि आज 4:50 पर किसी ने कोड नंबर के जरिए बेगम शिराजी से फोन पर बात की है। कॉल ट्रेसिंग? नो सर। इसका मतलब है कि बेगम शिराजी का दुश्मन अपना मिशन भूला नहीं और इस घर में उसका एजेंट मौजूद है। नहीं कमाल मियां, तुम्हारी सोच गलत है। जमीला तो बहुत अच्छी लड़की है। सवाल अच्छाई या बुराई का नहीं है बेगम साहबा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आली पर जिन लोगों ने कातलाना हमला करवाया है उन्हीं लोगों ने जमीला को यहाँ भेजा हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं कमाल मियां, ऐसी कोई बात नहीं। ठहरिए छोटे मालिक, अगर आपको अपने हाथ पर बनी हुई घड़ी देखने की फुर्सत ना मिली हो तो हम याद करा देते हैं, इस वक्त रात के 10 बजे है। क्या मतलब? ये घर है, होटल नहीं, और घर के भी कुछ उसूल कुछ कायदे होते हैं। और ये सब तुम मुझे सिखाओगी? छोटे मालिक, अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई। कहाँ थे इतनी देर तक? तुम्हीं से बात करो, मैं इस घर का मालिक हूँ, मुलाजिम नहीं। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, दिस इज नॉट योर लुकआउट। ये तो आज तक मेरी माँ ने नहीं पूछा। इसी बात ने तो हौसला बढ़ा दिया है आपका। आपको इतना भी नहीं मालूम कि देर से आने पर माँ जी से माफी मांगनी चाहिए? तुम कौन होती मुझे समझाने वाली? अच्छी बात समझाने के लिए किसी रिश्ते नाते की जरूरत नहीं होती। आपको ये दस्तूर बदलना होगा। क्या? हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है छोटे मालिक। पहले हम आदमी को प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता फिर हाथों को तकलीफ देते हैं। यू शट अप। साइनोपार्क्ड आईज हैव स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आरिया तुम? यस सर। ये सब क्या है? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब और कैसे? सर खालिद साहब ने फोन पर मुझे आपका पैगाम दे दिया था। मैं उसी दिन इस्लामाबाद से रवाना हो गई थी, मगर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी हालत काफी सीरियस थी, मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ा। इसका मतलब है तुम? अभी तुम तो कह रहे थे कि मारिया बेगम शिराजी के यहाँ मौजूद है, अगर ये वहाँ गई नहीं तो फिर वहाँ कौन है? बड़ी हैरत की बात है सर, मैंने खुद वहाँ फोन करके बात की है। तुमने फोन किया और वहाँ किसी लड़की से बात हुई और तुम उसे मारिया समझ बैठी? यू आर अ फूल ऑफ द फर्स्ट रेट। जाओ टोनी से कांटेक्ट करो और उसे कहो कि हम आज शाम से पहले बेगम शिराजी के बेटे को यहां देखना चाहते हैं। यहां कहां जा रहे हो बरखुरदार? तुम्हें तो हमारे बॉस ने
दावत पर बुलाया है। कौन हो तुम? हमारे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा बेटे। सिस्टम जरा मुख्तलिफ है भैया, जब हम किसी के रास्ते में आ जाए तो फिर उसे छोड़ते नहीं। कौन हो तुम? थल्ले आओगे तो पता चलेगा ना लाले दी जान। क्या चाहती हो? अपने जिस बहनोई को जबरदस्ती उठाकर लेके जा रहे हो उसे शराफत से छोड़ दो, पता अच्छा नहीं होगा। हमने कोई लतीफा सुनाया है जो तुम हंस रहे हो? हमने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। अच्छा, आज हाथ उठाकर भी देख लो, पता चल जाएगा औरत कौन है और मर्द कौन है। अच्छा, ये बात है। हाँ। फूलों की तरह मासूम और पाकीज़ा हो, मैं बिलावजह तुम पर शक करता रहा। क्या मतलब है कमाल बाबू? कभी कभी एक लम्हा जिंदगी का रुख बदल कर रख देता है। आज तक जो कुछ हुआ वो बनावट थी, खोट था। यकीन जानो आज के बाद मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे प्यार में बसर होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कल फोन करूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ, ये तुम्हारा लॉकेट वहां गिर गया था। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल बाबू, ये लॉकेट हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। अच्छा, मगर वो क्यों? इसलिए कि इस लॉकेट में हमारी माँ की तस्वीर है। ये झूठ है, बकवास है। औरत चाहे कितनी ही शहजोर क्यों ना हो, मर्द पर हावी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसने तुम्हारी बहादुरी का मजाक उड़ाया है, तुम्हारी मर्दानगी को गाली दी है। जाओ, तुम मरो कहीं। हम बहुत शर्मिंदा हैं सर। साल के 365 दिनों में हमें तुम्हारी सिर्फ चंद मरतबा जरूरत पड़ती है, और तनख्वाह तुम्हें बाकायदगी से हर माह मिलती है। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, इसके बावजूद तुम नाकाम लौटे। कि भी के आदमी किसी से शिकस्त खा जाए, ये हमारी तौहीन है।
जिसको मैं फ्रॉड समझता रहा। यार वो लड़की बड़ी अच्छी है। अच्छा? मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे सचमुच उसके साथ मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, गुरु के पांव छू। हाँ यार वाकई ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। यार किसी दिन उसके दार तो करवाओ हमें। अरे कोई मसला ही नहीं है। अच्छा? कल मैं उसको पार्क में बुलाता हूँ, तुम भी वहां पहुंचाना। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ओके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हमको दुआएं दो, तुम्हें आशिक बना दिया। चलो छुट्टी हो गई, तुम्हें भी आज ही बरसना। कहती थी कि मैं जरूर आऊंगी, बारिश हो चाहे तूफान। ठीक है, कौन इंतजार करे? कमाल बाबू, मौसम तो बदलता है, कहीं तू ना बदल जाइयो।
सद के जाऊं कि ना जाऊं, कमाल तुम्हारी पसंद भी कमाल की है। अच्छा जमीला तुम्हें पसंद आई? बहुत पसंद आई। अब एक खुशखबरी सुन लो। क्या? मुझे मुलाजमत मिल गई है। मुबारक हो। मैं दुबई जा रहा हूँ, जाऊं कि ना जाऊं? हाँ जरूर जाओ, लेकिन मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तो आता जाता रहूंगा, तुम जमीला का साथ ठीक तरह निभाना, कहीं रन आउट ना हो जाना। हंसने की क्या बात है? सोच रही हूँ जो कल तक तुझे अच्छा नहीं लगता था, फिर वो तेरे ख्वाब में कैसे आया पता नहीं, सारी रात उसका ख्याल सताता रहा, जाने क्यों अच्छा लगने लगा है मुझे, अल्लाह खैर करे। अब ऐसे क्या हो गया? हो गया भाई। क्या हो गया भाई? तुम्हारे वाला काम हो गया। क्या मतलब भाई? मैं अपने कानों से सुन के हारिया हूँ, शान अपनी सहेलियों को बता रही थी। अरे क्या बता रही थी? यही कि सारी रात उसे नींद नहीं आई और आली का ख्याल उसे सताता रहा। क्या तुम सच कह रहे हो? ईमान से। अगर ये सच है आली, तो मिठाई तुम पे ड्यू हो गई। मेरी जान, शान तुम पर मेहरबान हो गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? शादी। मगर वो कैसे? अपनी अम्मी जान को इस सिलसिले में राजी कर लो। अरे ये तू वाकई प्यारी है, मगर तुम्हें कब से प्यारी हो गई? मेरा मतलब है कब से जानते हो इसे? थोड़े ही दिन हुए मम्मी। इसका नाम शान है, वो अंकल है ना दिया जी साहब, ये उनकी बेटी है। अच्छा अच्छा, अरे फिर तो कोई मसला ही नहीं, हम कल ही उनके घर जाकर इस लड़की को बहू बनाने का ऐलान कर देंगे। मगर अभी सिर्फ मंगनी होगी बेटा, एडवांस बुकिंग, शादी होगी जब तुम यूरोप से पढ़ लिख कर वापस आ जाओगे। किसकी शादी की बात हो रही है मालकन? अरे जी मिला, आओ आओ ना, बैठो बेटा, हमने फैसला किया है कि हम आली की मंगनी कर देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। ए, वो है कौन? अरे वो DIG साहब है ना। हाँ, उनकी बेटी है। अच्छा, उसकी तस्वीर कितनी प्यारी है। आप हंस क्यों रही हैं? ये DIG की बेटी है, किसने कहा है तुमसे? खुद इस लड़की ने। बहुत चलाक छोप रही है ईमान से। तुम इसे जानती हो? और नहीं तो क्या, ये DIG की बेटी नहीं है। तो फिर इसका नाम शान है, भटिया बाबू है ना, हमारा मतलब है आपके होटल के मैनेजर कमाल बाबू, ये उनकी छोटी बहन है। हमारे होटल के मैनेजर की छोटी बहन? ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहबा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बस रहने दो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी बहन मोहब्बत का जाल फैलाकर हमारे बेटे को अपना दीवाना बना देगी। हमारा बेटा करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, उसे ये सब कुछ करने की जरूरत कैसे थी? बेगम साहब, मैं शान का बड़ा भाई होने के नाते आपसे बहुत शर्मिंदा। आपकी शर्मिंदगी किस काम की? जो कुछ होना था हो चुका। नहीं बेगम साहब, शान ने आपके जज्बात को ठेस पहुंचाई है, जुर्म किया है उसने, जिसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खाल उधेड़ देता हूं। ठहरो, तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले? अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है, अब वो हमारी बहू है, हमारे बेटे की दुल्हन है। हाँ कमाल मियां, हमारे बेटे को शान पसंद है और हमें भी पसंद है, हम तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए शान को मांगने आए हैं, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बेगम साहिबा, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, ये घर, ये कार, ये होटल की मुलाजमत सब आपकी इनायत है। मेरी जिंदगी अगर आपके काम आ जाए तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे जीते रहो कमाल मियां, जीते रहो, तुमने हमारी लाज रख ली, जीते रहो जीते रहो।
चाहत का इजहार होता है। पहले होठों से चाहत का इजहार होता है, अखियों की नींद, अखियों की नींद उड़ती है। तो प्यार होता है, हाँ प्यार होता है। दिल में मीठा दर्द अचानक बेदार होता है। दिल में मीठा दर्द अचानक बेदार होता है। अखियों की नींद है दिल में जादू सा छाने लगता है। नादानियों का मौसम दिलों में हलचल मचाने लगता है। आपस में यूं मिलना जुलना सौ बार होता है। आपस में यूं मिलना जुलना सौ बार होता है। अखियों की नींद, अखियों की नींद उड़ती है। तो प्यार होता है, हाँ प्यार होता है। खुशबू जाग उठती है सांसों में। दिल को जो अच्छा लगता है दिलदार होता है। दिल को जो अच्छा लगता है दिलदार होता है। अखियों की नींद, अखियों की नींद। चाहत का इजहार होता है, अखियों की नींद उड़ती है। तो प्यार होता है, हाँ प्यार होता है। दिल में मीठा दर्द अचानक बेदार होता है। अखियों की नींद, अखियों की नींद उड़ती है। क्या देख रहे हैं छोटे सरकार? लड़की अकेली भी है और खूबसूरत भी। यूं लगता है जैसे खुदा ने इसे हमारे लिए ही बनाया है। Oh, 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 oh
शर्म नहीं आती? नॉनसेंस। लड़कियां सड़कों पर पैदल चले मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है। सुनिए, इनकार ना कीजिए, मेरी गाड़ी हाजिर है, मैं आपको छोड़ दूंगा। बदतमीज, मैं खान बहादुर कलीम बेग का बेटा हूँ और जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। तुम कौन हो? कुछ रोज पहले हमने एक पंजाबी फिल्म देखी थी, उसमें सुल्तान राही इस बात का यूं जवाब देता है, ए भाई कैसा? का बदला ले लिया है शान। बहुत बहुत शुक्रिया जमीना बहन, मैं आपका एहसान। अरे कोई बात नहीं, जाओ तुम घर जाओ। हम इस कमीने को इसके घर तक छोड़कर आते हैं, जाओ घर जाओ। चल जमीला है खान बहादुर साहब, हम आपको ये बताने आए हैं कि अपने इस आवारा बेटे को समझाए कि औरत की इज्जत करना सीखे। आज इसने एक राह चलती लड़की को छेड़ा तो हमने सिर्फ इसकी पिटाई की है, अगर आइंदा इसने कोई जलील हरकत की तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की, हमारे मर्तबे और जाहो जलाल के सामने आज तक किसी को यूं बात करने की जरूरत नहीं हुई, मगर तुम्हारा ये बेबाक अंदाज बताता है कि तुम यकीनन किसी बहादुर बाप की बेटी हो। बहादुर बाप की नहीं, बहादुर माँ की बेटी कही है, इसलिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो माँ की तबीयत और दुआओं का नतीजा है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, एक मशवरा दे बेटा, जज्बात पर काबू पाना सीखो, जज्बात पे काबू हो जाए तो बिला वजह खून खराबा होता है। और देखो ना, तुम्हारे हाथ पे लगा ये खून देखकर खुदा हमें बहुत दुख हुआ। ये खून हमारा नहीं, आपका है। हमारा? जी हाँ, हमारा मतलब है आपके बेटे का खून जो हमारे हाथों पर लग गया। तुमने एक छोटे से जुर्म की उसे इतनी बड़ी सजा दी? हाथ के नजदीक ये जुर्म छोटा हो सकता है खान बहादुर साहब, मगर मत भूलिए कि औरत माँ है, बहन है, बेटी है, उसका हर रूप काबिले एहतराम होता है। हमें इत्तफाक है तुम्हारी बातों से, लेकिन तुम भी मत भूलो
कि दुश्मनी का बीज एक पल में बोया जाता है और दोस्त बनाने के लिए एक उम्र चाहिए। दुश्मन नहीं, लोगों को दोस्त बनाना सीखो। माफ कीजिएगा खान बहादुर साहब, हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। हम दोस्त उन्हें बनाते हैं जो दोस्त बनने के काबिल हो। क्या हुआ खान बहादुर साहब, आपने हाथ क्यों रोक लिया? मरीना, बात तो तुमने वाकई ऐसी की, लेकिन क्या करें, भूल से बेटी जो कह बैठे हैं तुम्हें, अब बेटी पे हाथ कैसे उठाए? लेकिन खैर, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत समाई गई है तो यूं ही सही, जाओ जाओ, हम तुम्हारी दुश्मनी से भी प्यार करेंगे। हाँ, अंकल आप भी कमाल करते हैं। अंकल, उस लड़की ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया और आप चुपचाप उसकी हर बात सुनते रहे। इसलिए कि कसूर उसका नहीं, तुम्हारा था। एक तो तुम्हारा भी जवाब नहीं, तुम्हें उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है कमाल बाबू, हम बात की तह तक पहुँचते हैं। हम उस नौजवान को अंदर करा देते तो उसका अमीर बाप जमानत पर उसे बाहर ले आता, फिर वो लड़का शाम को छेड़ता, फिर जेल जाता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब वो सुधर जाएगा? गैरतमंद होगा तो फिर कभी शान को नहीं छेड़ेगा। वैसे अगर अब उसने मुझे छेड़ा ना तो मैं उसे कच्चा खा जाऊं। अरे अरे, ऐसा गजब ना करना, तुम्हारी तस्वीर अखबार में छप जाएगी जिसके नीचे लिखा होगा आदमखोर हसीना। अच्छा कमाल बाबू, हम चलते हैं, मालकिन इंतजार कर रही होंगी। अरे बेटी, चाय तो पी दी जाओ। नहीं मासी, हम जरा जल्दी में हैं, फिर पी लेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भैया। हाँ? भैया, ये जमीला है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि सिर्फ मुझे ही पसंद है। तो भैया आप इसे जल्दी से मेरी भाभी बना दें। तुम्हारी फरमाइश नोट कर ली गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। राइट, ओके। आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं छोटे मालिक, तुम नहीं जानते मैंने उस लड़की के हाथों जिल्लत उठाई है, मार खाई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। तो आखिर हम लोग किस दिन कमाएंगे आएंगे छोटे मालिक? आप सिर्फ उसका पता बता दीजिए, हम उस लड़की को जबरदस्ती उठा लाएंगे। गुड। यही है वो फूल जिसे हम अपने कोर्ट के कॉलर पर सजाना चाहते हैं। डोंट वरी सर। आराम से, आराम से। क्या हाल है मिस चान? कमीने, तेरी ये मजाक, छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, ले चलो इसे। इसका जवाब मैं देता हूँ खाला। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं कह रही हूँ। भैया, घबराओ नहीं, शान में आ गया हूँ। मासी, तुम्हें क्या?
क्या हुआ है? मुझे बचा लीजिए अंकल, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अंकल क्यों गिरफ्तार कर लेगी पुलिस तुम्हें? इसलिए इसलिए कि मेरे हाथों कत्ल हो गया अंकल। किसका कत्ल हो गया? वो लड़की है ना शान अंकल, उसकी खाला का। बाय गॉड अंकल, मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहता था, वो मेरे रास्ते में। प्लीज अंकल मुझे मुझे बचा लीजिए अंकल। अरे भाई, जब लिखने वाले ने मक्तूल के नसीब में कत्ल होना ही लिखा था तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? गो एंड हैव अ चिल्ड ग्लास ऑफ मिल्क एंड रिलैक्स माय सन। जाओ, शाबाश। कत्ल करके आ गए हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने तुमने पुलिस को इत्तला तक नहीं दी, मासी को खामोशी से दफना कर बैठ गए। मुझे मालूम है जमीला के अमीर और गरीब के मुकदमे का क्या नतीजा निकलता है। सब्र कर लिया है क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। मासी को खान बहादुर के बेटे ने कत्ल किया है जमीला बहन, उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो शान, खान बहादुर के बेटे को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। सर एक बार पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए हैं। कौन आए? पुलिस इंस्पेक्टर जी। बुलाओ अंदर उन्हें। नहीं सर नहीं, यहाँ यानी ये आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, कहिए कैसा आना हुआ? मैं आपके बेटे अकबर को गिरफ्तार करने आया हूँ। जी वारंट गिरफ्तारी और हमारे बेटे का? हम इस किस्म का मजाक पसंद नहीं करते और वैसे भी कानून से हमारी बिल्कुल बेतकल्लुफी नहीं। और सच पूछे इंस्पेक्टर साहब तो हम कानून का बेहद एहतराम करते। ठीक कहा है आपने खान बहादुर साहब, मगर कानून मुजरिमों का एहतराम नहीं करता। ओ बहुत खूब, वैसे अच्छा जाल फैलाया तुमने हमारे बेटे की गिरफ्तारी का। ये जाल हमने नहीं तकदीर ने फैलाया है। हो सकता है, लेकिन क्या कीजिए कि हम तकदीर से ज्यादा तदबीर पे यकीन रखते हैं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारा बेटा गिरफ्तारी ना दे तो? ये कैसे हो सकता है सर, हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है, यही ना? अले सर जरा दिखाइए तो इन्हें वो मोहब्बत नामा जिसे कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जमानत कबल गिरफ्तारी। हमें उम्मीद है कि अब आपकी तसल्ली हो गई हो। जी हाँ। ये लीजिए, ये लेते जाइए। ठहरो जमीला, तुमने देखा कि इज्जतदार लोग अपनी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए पहले ही इस किस्म के खत हासिल कर लेते। छोड़ो इन बातों को, और शतरंज खेलोगी? हम खुद को बहुत चालाक, बहुत तेज और अय्यार समझते थे, मगर मान गए आप हमारे भी बाप हैं। चलो किसी सूरत तुमने हमें अपना बहुत तो तस्लीम किया, अब तुम कहती हो तो तुम्हारे बाप बन जाते हैं। आपने शायद गौर नहीं किया खान बहादुर साहब, ये लफ्ज बाप दो नुक्तों के इजाफे से बाप भी बन जाता है, और मुझे जुर्म और पाप दोनों लफ्जों से एक सी नफरत है। तुम्हें याद होगा कि हमने तुम्हें कहा था कि हम तुम्हारी दुश्मनी से भी प्यार करेंगे। शौक से करती रहो नफरत हमसे, टकराती रहो हर मोड़ पे, मगर याद रखना एक दिन रेजा रेजा होके खुद ही बिखर जाओगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें हमारी कुव्वत का, छोटी हो हमारे सामने बहुत छोटी। हम चाहेंगे जिस बात चाहेंगे तुम्हें चोटी की तरह मसल के फेंक देंगे। अपनी इस पहली जीत पर ज्यादा इतराइए नहीं, हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है,
अगर जंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाए तो हमें मजा नहीं आता, और अभी आपकी और हमारी जंग जारी है, फिर मिलेंगे। समझ में नहीं आता अंकल, आपने इस लड़की को इतनी ढील क्यों दे रखी है? जब आती है कोई इतना कोई धमकी देकर चली जाती है। एक मशवरा है सर, जख्म को नासूर बनने से पहले काट दिया जाए तो जिस्म बहुत बड़ी अजियत से बच जाता है। आगे आपको समझदार है। इस लड़की को कल का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। तुम क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बचा लो बहन, दो गुंडे बड़ी देर से मुझे तंग कर रहे हैं। देखो यहाँ भी पहुंच गए। फिक्र ना करो, इनकी तो अभी खबर लेते हैं। हाँ भैया, क्या तकलीफ है आपको? उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम उसे थाने ले जाएंगे। थाने लेकर जाएंगे? क्यों क्यों, क्या किया है उसने? हमें गाली देकर भागी है। गाली देकर भागी है? छोटी या मोटी? तुम बीच में मत आओ वरना हम तुम्हारा सर भी फोड़ डालेंगे। सुना था चूहा अपने घर के सामने शेर बनता है, तुम किस नस्ल के चूहे हो जो हमारे घर के सामने आकर शेर बन रहे हो? बकवास बंद करो अंधा। देखो भैया, हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। हम मंगल और बुध को लड़ाई झगड़े की दुकान बंद रखते हैं। अगर अब तुम मजबूर कर ही रहे हो तो नागे का ये सिस्टम तोड़ना ही पड़ेगा। उन सालों की सिटी बंद कर दी। अच्छा फिर क्या हुआ? मैं चुप रही, उन्होंने मोटरसाइकिल पे मेरा पीछा किया, मैं घबरा कर यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे डर है रास्ते में कहीं फिर ना मिल जाए। तुम फिकर क्यों करती हो, आओ हमारे साथ अंदर। जी नहीं शुक्रिया, मैं अब चलूंगी। अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे मेरी गाड़ी पर घर ड्रॉप कर दे, मेरा ड्राइवर आपको वापस छोड़ देगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो, हम तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें अभी घर छोड़ाते हैं। हाँ? चलो। बहन तुम बैठो, मैं केमिस्ट की दुकान से माँ की दवा खरीद लूँ। Thank you.
मारिया इज ऑन द लाइन सर। यस मारिया। मैंने टाइम बम के जरिए आपके दुश्मन का काम तमाम कर दिया है। वेल डन मारिया, वेल डन। अरे भाई तुम वहाँ क्या कर रही हो? पहुंचो हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। हाँ जल्दी पहुंचो, जल्दी, शाबाश। अरे मारिया ने तो कमाल कर दिया, एक ही बार में हमारे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। कौन सा दुश्मन सर? अरे भाई वही सरफिरी लड़की जो बिला वजह हमारे रास्ते की दीवार बन गई थी, गिर चुकी है। कौन हो? खत्म हो गया बेगम साहबा, तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। भाई कौन हो? हम जमीला है बेगम साहब। अरे जमीला, ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? इसमें हमारा कोई कमाल नहीं कमाल बाबू, हमें ये नेकी का इनाम मिला है। हम अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खान समझते थे ना, आज सारे फन्ने खाने निकल आए। क्या मतलब? हाय हाय, किस्सा कुछ यूं है मालकन, एक लड़की चक्कर चलाकर हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से अपने साथ ले गई। रास्ते में गाड़ी रोककर बोली हम जरा माँ की दवा खरीद लाए। हम यूं ही जरा कमर सीधी करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले तो अचानक जोरदार धमाका हुआ। फिर कुछ याद नहीं है बेगम साहिबा। जब होश आया तो हम इस हाल को पहुंच चुके थे। वो लड़की थी कौन? लड़की कौन थी ये तो नहीं मालूम, मगर बड़ी भोली थी। अरे भोली नहीं, मकार कहो। गाड़ी में टाइम बम लगाकर तुम्हें मारने आई थी। आई थी नहीं, भेजी गई थी। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि कोई आदमी तुम्हें खत्म करवाना चाहता है और सामने भी नहीं आना चाहता? हाँ कमाल बाबू, हमने भी ये फैसला कर लिया है कि जब तक हम अपने दुश्मन का पता ना लगा लें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कोई शमशेर सिंह साहब आपसे मिलने के लिए आए। शमशेर सिंह? अरे वो अपना ये हांगकांग का एसोसिएट तो नहीं? मेरा ख्याल है वही। अरे बुलाओ, जल्दी बुलाओ, तो बड़े काम की चीज है भाई। क्या बात है, सत श्री अकाल महाराज, सत श्री अकाल खान बहादुर साहब। अरे भाई तुमने तो कहा था कि शमशेर सिंह आया है। ये ओ एक ही गल है जी, शमशेर सिंह दा साला दलेर सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तशरीफ रखिए। ओ थैंक यू जी। और सुनाइए कैसा है अपना शमशेर? ओ ठीक ही होना है मनु की पता। क्या मतलब? ओ जी मतलब है कि मैनू हांगकांग छड़े बड़ा जमाना हो गया है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान कैसे आना हुआ, किसी कारोबार के सिलसिले में? ओ ना जी ना, मैं एक डांसिंग ट्रूप लेके कंट्री टू कंट्री फिर रहा जी। एक मशवरा है सर। क्या? कल रात हमारे यहाँ जो पार्टी है उसमें अगर इनका ट्रूप इनवाइट किया जाए तो। नॉट अ बैड आइडिया। सरदार साहब क्या नाम बताया? दलेर सिंह जी। जा है ये कि कल हमारे यहाँ दावत है, अगर आप कल शाम का खाना हमारे साथ खाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। ओ अन्न पानी जरूर छकांगे पर हलाल करके। ये हलाल हराम से आपकी मुराद कहीं? ओ ना जी ना, है तो बड़ी देर दिया गल्ला ने। पहले करांगे गाना बचाना, फिर खावांगे खाना शाना। सरदार जी आपको ये ट्रुप जनाना है या मर्दाना? ओ जी है तो मर्दाना ट्रुप है, पर एक जनानी भी हैगी। बन तो ताड़ी होने वाली परजाई। की गाना गांदी है ते की नचदी है। और जी मैं अपने मुंह की ओदी तारीफ करा, एक बारी ढोल ते खड़कन दियो।
सुखनी कहनी है सर। क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की जो रात को जुगनी गा रही थी वो बन तो नहीं थी जी? नहीं, वो जमीला थी जो यकीनन अब तक जिंदा है। अरे क्या हुआ इन्हें? बेचारा सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी से टकरा गया। और आप लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। आओ बेटी आओ, प्लीज प्लीज। बाबा आपका घर तो बहुत प्यारा है। रियली? इसका सारा क्रेडिट हमारी बेटी मारिया को जाता है। अच्छा। उसने छोटी सी उम्र में सारे घर को संभाला हुआ। कहीं काम करती होगी? She's very hard working. अच्छा? Very smart, very sweet. तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। मारिया, मारिया। Yes, papa. देखा, ये है मेरी बेटी मारिया। सोच रही हो मारिया, आगे बढ़कर इस एंजल कमाफिक नोबल लड़की का हाथ चूमो, इसका शुक्रिया अदा करो। आज इसने हमको कार एक्सीडेंट में बचाया, हमें अपना ब्लड दिया, हमारा ड्रेसिंग करवाया। मारिया, अगर आज ये ना होता तो तुम यतीम हो जाता। आप लोग गपशप लगाए, हम चाय का बंदोबस्त करता। हमें जिंदा देखकर हैरत हो रही होगी। अपने आप से नफरत हो रही है मुझे। गालियां दो मुझे, गला घोंट दो मेरा। मैं बहुत बुरी हूं, बहुत बुरी हूं। जिससे अपनी बुराई का एहसास हो जाए फिर वो इतना बुरा नहीं रहता। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं होगी, है ना? हाँ, बॉस को ऑर्डर था। देखो देखो, तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। मगर क्यों? वो बहुत जालिम इंसान है, जब उसे तुम्हारे जिंदा होने का पता चलेगा तो वो कहीं नहीं चाल चल कर तुम्हें खत्म करवा देगा। क्यों मानना चाहता है तुम्हारा बॉस हमें? उसके रास्ते में आने वाला हर इंसान उसका दुश्मन है, और केबी अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। केबी? हाँ, ऊंची सोसाइटी के लोगों में खान बहादुर कलीम भी कहलाता है, मगर दरअसल वो बदनाम स्मगलर केबी है। मैं उसके लिए काम करती हूँ। मुझे मालूम है वो कितना बुरा इंसान है। देखो मेरी माना, तुम यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। प्लीज चली जाओ। घबराओ नहीं, हमारा पूरा ईमान है, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। खैर अब हम जाते हैं, फिर 5 बजे आएंगे तुमसे मिलने के लिए, ठीक है? खुदा हाफिज। हम यहाँ बैठने नहीं आए साहब जी, हम तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एकदम टॉप की खबर। टॉप की खबर? हाँ, टॉप की, मेरा मतलब है ऊंची ऊंची खबर। अच्छा अच्छा, तो फिर जल्दी सुना। अगर आप इजाजत दें तो ये खबर हम आपके कान में कह डालें। मगर वो क्यों? ओहो, आप नहीं जानते साहब जी, दीवार चाहे घर की हो या पुलिस स्टेशन की, उनके भी कान होते हैं, और हम चाहते हैं कि ये राज इन दीवारों से बाहर ना जाए। नहीं जाएगा। अच्छा अब बताओ राज। आप खान बहादुर कलीम बेग को जानते हैं?
उन्हें इस शहर में कौन नहीं जानता। नेक आदमी है और सामाजिक हलकों में बहुत नाम है उनका। अरे साहब, यही तो सारा चक्कर है। खान बहादुर ने सब गोलियों बना रखा है। और माफ कीजिएगा उल्लू, कोई अच्छे जानवर का नाम नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? साहब जी, खान बहादुर का रूप एक ढोल है। दरअसल वो बदनाम स्मगलर के भी है। के भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तो उनसे किसी ने मजाक किया है। मजाक? नहीं साहब जी, ये मजाक नहीं है। इसका सबूत हमारे पास है। आप अभी और इस वक्त हमारे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो। तुम कैसे मजे से सो रही है? नाराज है मुझसे? तुम जगा। मारिया, मारिया। नहीं, ये तो मर चुकी है। बाबा, ये कब हुआ, कैसे हुआ? मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं। साहब जी, चंद घंटे पहले यकीनन मालूम हो गया होगा कि इस लड़की ने तुम्हें अपने राज बता दिया। ये लड़की हमारे बहुत काम आ सकती थी, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। तुमने देखा काली, हम सब गद्दारी की सजा कम से कम मौत होती है। हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। लेकिन लेकिन एक छोटी सी फांस है जो अभी तक रोक रही है। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मारिया तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी, लेकिन बेगम शिराजी का बेटा अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है वो? यहां भी नहीं पहुंचे, फोन भी नहीं किया। अच्छा जी, थैंक यू। क्यों कमाल भैया, कुछ पता चला? बेगम साहब, समझ में नहीं आ रहा है। आली के दोस्तों को, शान की सहेलियों को फोन किया है, मगर किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं। खुदा खैर करे, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में न फंस गए हों। मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। हौसला रखिए बेगम साहब। ममता बड़ी कमजोर होती है, फिर देखो तो सही वक्त क्या हो गया है। तुम ऐसा करो, उस मंगने वाली पार्टी पर चले जाओ जहाँ वो गए हैं, और वहाँ जाकर पता कर लो, उस घर में जाकर पता कर लो बेटा, प्लीज। मेरा दिल बहुत परेशान है। बेगम साहब, परेशान ना, मैं अभी होकर आता हूँ। ये अल्लाह खैर। मालकर, कमाल बाबू अभी बताया कि आली और शान अभी तक घर नहीं पहुंचे। अरे हाँ बेटी, इसीलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो जी, हाँ जी, बेगम शिराजी का घर है। जी हाँ मालकर, आपका फोन है। तुम ही सुन लो बेटी, मेरा दिल कामों में नहीं है। हेलो, सुनिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने जो कुछ कहना है हमसे कह दीजिए। देखिए, मैं खान बहादुर कलीम बेग बोल रहा हूँ। बेगम शिराजी से कहिए कि उन्हें अपने बेटे की जुदाई में परेशान होने की जरूरत नहीं, उनके घर का उजाला मेरी तहवील में। जा, मेरे आदमी आली और शान को उठाकर मेरे पास ले आए हैं। सोचा तो यह था कि अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए उनके बेटे की जिंदगी को खत्म करता हूं, लेकिन न जाने क्यों एक मां की ममता पे तरस आ गया है मुझे। अब मैं 20 लाख रुपए की उनके बेटे की जिंदगी उन्हें वापस देने के लिए तैयार हूं। पूछिए क्या उन्हें यह शर्त मंजूर है? जी हाँ। ठीक, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, याद रखिए, मेरी हिदायत को भूलिएगा नहीं। जमीला, जमीला बेटी, किसका फोन? बता दो, क्यों नहीं बता ना। बड़ी बड़ी हिम्मत की जरूरत है मालकर, सुनने के लिए भी
सुनाने के लिए भी। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत गड़बड़ हो गई है मालकर। वो अली और शान कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? खान बहादुर कलीन बेग के गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया है। अरे ना, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हिम्मत से काम लीजिए मालकिन। हिम्मत कहाँ से लाऊं? मेरी उम्र भर की कमाई छिन गई और तुम कह रही हो हिम्मत करो? ये उसी का काम है, ये उसी का काम है, शौकत मिर्जा का। उसने मुझे धमकी दी थी, उसने मुझे धमकी दी थी बेटी। आज उसका दांव चल गया ना, अब क्या होगा जमीला? सोचना पड़ेगा मालकिन। उसने 20 लाख रुपए का मुतालबा किया है। मैं ये रकम देने को तैयार हूँ। ये दौलत मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज नहीं है। ये घर, ये होटल सब कुछ बेच डालो बेटी, मेरे बच्चों को बचा लो। घबराइए नहीं मालकन, जब तक जमीला जिंदा है उन पर कोई आंच नहीं आएगी। आप रकम का बंदोबस्त कीजिए। खान बहादुर से मिलने के लिए हम खुद जाएंगे। जैसा देश हो हम वैसे ही भेस बदल लेते हैं। ओह आई सी, तो तुम्हें भेजा है इसके वारिसों ने। तुम आई हो इसकी हमदर्द बनके। हाँ, इसकी हमदर्द और आपकी दुश्मन बनकर। लेकिन ये देखकर बहुत हैरत हुई कि आप बहुत फुर्ती और कमजोर आदमी हैं। वो कैसे? हमें तनहा बुलाकर इतने सारे दोस्तों की पनाह को ढाल बनाया है आपने। माफ कीजिएगा साहब, हम तो आपको बड़ा बहादुर समझते थे। फालतू गुफ्तगू से परहेज करो लड़की। बताओ रकम लेके आई हो कि नहीं? घबराइए नहीं, ये ब्रीफकेस खाली नहीं है। इसमें आपका मुतालबा भी है और हमारी ख्वाहिश भी। हम तुम्हारे इस मजाक को समझे नहीं। क्या है सब कुछ? किस कदर हैरत की बात है जो उनके रास्ते पर भागने वाले इंसान को हर कड़ी की पहचान ने। ये काला जेवर आप जैसे हर बुरे आदमी का अंजाम है मिस्टर के बी। तुम्हें हमारे इस नाम का कैसे पता चला? कैसे? बड़ी मेहनत करनी पड़ी ये जानने के लिए कि इस उजले लिबास के पीछे कितना अंधेरा है। आप कौन है, क्या है, हमें सब मालूम हो चुका है। और आपके लिए इससे बेहतर तोहफा
कोई और नहीं हो सकता। अरे देखा तुमने क्या तोहफा लाई है हमारे लिए, खास खा गई है दीवानी, हमें हथकड़ियां पहनाएगी और हम एक औरत के हाथों हथकड़ियां पहनेंगे। ऐसा सोचने की तुम्हें जरूरत कैसे हुई? बात सिर्फ जरूरत की नहीं, अख्तियार की है। हमें आपको ये हथकड़ी पहनाने का हक हासिल है, इसलिए कि आज आपके सामने जमीला नहीं CIG इंस्पेक्टर शबाना खड़ी है। How do you like it, Mr. KB? ये कार्ड हमारी पहचान है और हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट भी है। CID इंस्पेक्टर शबाना, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि हम कितने मजबूत और महफूज इंसान हैं। आज तक दुनिया का कोई कानून हमें गिरफ्तार नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। Take it loud and clear. बहुत भरोसा है अपने आप पर? हाँ है, बहुत भरोसा है हमें अपनी ताकत पर। और आज तुमने जिस बारूद के शोनों को हवा दी है वो तुम्हारी बोटी बोटी उड़ा के रख देगा। एक नजर हमारे खोखार दरिंदों पर डालो, ये तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लेंगे, खत्म कर देंगे जिंदगी तुम्हारी। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है खान बहादुर साहब, आप और आपके साथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भूल है तुम्हारी, ये सब वफादार है हमारे। इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए मिस्टर KB, अब ये आपके नहीं हमारे वफादार है। आपने जो रकम इन मासूमों की जिंदगी के लिए मांगी थी वो रकम हमने इन सब में बांट दी है। हाँ मिस्टर KB, खरीद लिया है हमने तुम्हारी वफादार साथियों को और अब आप कानून के सामने बिल्कुल अकेले रह गए। वाकई तुम बहुत चालाक हो, खूब खेल खेला है तुमने, लेकिन हम तुम्हें ये बाजी जीतने नहीं देंगे। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने एक मर्तबे कहा था कि हम तुम्हारे भी बाप हैं। शान को लेकर घर चले जाओ, हमें अपने मुजरिम का पीछा करना है। काफी वक्त हो गया सर। घबरा रहे, मुझे CID इंस्पेक्टर शबाना पर पूरा भरोसा है, वो आज अपने मिशन में जरूर कामयाब होगी और मुजरिम बचकर नहीं जाएगा।
मैं शकीला, मैं हूं शौकत, जिसे परसों बाद तकदीर तुम्हारे सामने ले आई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं पुलिस से छुपता हुआ एक दिन अपने ही घर पहुंच जाऊंगा। ये घर तुम्हारा नहीं, उस औरत का है शौकत मिर्जा, जिसे बरसों पहले तुमने छलनी छलनी कर दिया था। वो उसे देखो, ये दरो दीवार उस औरत की अजमत की पहचान है, जिसने बेआसरा होकर भी हार नहीं मानी। गुनाह और जुर्म के दलदल में फंसे हुए शौहर का साथ छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। देखो शौकत मिर्जा, किस्मत का ये कैसा अजीब मजाक है कि वक्त ने तुम्हें आज फिर उसी दहलीज पर ला खड़ा किया। ये वक्त के लिए शिकोका नहीं, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। शकीला, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में लगाती हूँ। तुम्हारी इस दौलत पे मैं गुर्बत के बावजूद बेहद सुकून से हूँ, और तुम दौलतमंद होकर भी बेकरार हो। पुलिस के डर से जान बचाए फिर रहे हो। सच पूछो तो आज तुम्हारी दौलत मेरी गुर्बत के रहमो करम पर है। तुम ठीक कह रही हो शकीला, सब कुछ होने के बावजूद आज मुझे अपने मुफलिस होने का एहसास हो रहा है। आज मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, तुम्हारी हमदर्दी की। शौकत मिर्जा, इस दरवाजे से आज तक कोई साहिल मायूस नहीं लौटा, लेकिन तुम्हारी ये झूठी शान बता रही है कि तुम पहले से बड़े मुजरिम बन चुके हो, और मुजरिमों के साथ ना तो कोई हमदर्दी होती है और ना ही कोई रियायत। मैंने इस घर को जुर्म और नफरत की परछाइयों से पाक रखा है, और तुम जैसा मुजरिम इंसान इस घर के किसी कोने में नहीं समा सकता। शकीला, मत भूलो कि मैं आज भी तुम्हारा शौहर हूं। क्या दहानी का शुक्रिया। बदकिस्मती से बाकी है अब तक नाम का ये रिश्ता, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं। ऐसा ना खुदा रहा, ऐसा ना करो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। इसकी बातों में ना आना, ये बड़ा चक्करबाज आदमी है। मिस्टर केबी, तुम्हारी मनमानियों का दौर खत्म हुआ। मुजरिम चाहे कितना चालाक क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। तुम्हारे बहते हुए खून की लकीर आखिर मुझे तुम तक ले ही आई। तुम नहीं जानती माँ, ये वही शख्स है। मुझे मालूम है, शौहर को बीवी से ज्यादा और कौन जान सकता है बेटी। पुलिस ऑफिसर शबाना मेरी बेटी? हाँ शौकत मिर्जा, गौर से देखो इसे। मेरी ममता के मजबूत हाथों से तराशे हुए इस पैकर को तुम्हें मेरी तरबियत और अपनी खुदगर्जी के फासले की पहचान हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये शख्स मेरा बाप है? नहीं माँ, नहीं, मैं कानून की बेटी हूँ, और कानून की मुजरिमों से कोई रिश्तेदारी नहीं होती। ऐसा न कहो बेटी। मत पुकारो मुझे इस मुकद्दस नाम से, मैं एक मुजरिम को बेटी कहने का हक नहीं दे सकती। ये हक मुझसे मत छीनो बेटी, मैं मानता हूँ मैं मुजरिम हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, मगर आखिर को तुम्हारा बाप हूँ। मुझे आज जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि आरज़ुओं की दौड़ में मैं इतना तेज भागा कि दौड़ जीतने की खुशी में मुझे पिछड़ जाने वालों का ख्याल तक नहीं आया। मैं अंधा हो गया था बेटी, मैं अंधा हो गया था, मगर आज इन आंखों को रोशनी की पहचान हो गई है। शौकत मिर्जा की आंखों ने रोशनी देख ही ली है, तो फिर गाड़ दो वो सलीब अपने घर की चौखट पर और चढ़ा दो सूली मुझे, ताकि मेरी लाश को देखकर लोग कानून की अजमत को सलाम करें और तुम्हें देखकर झुक जाए तुम्हारे एहतराम में कि ये वही बेटी है जिसने अपने बुजुर्ग बाप को गिरफ्तार किया। हथकड़ी पहनाओ बेटी, हथकड़ी पहनाओ। मैं भागते भागते थक चुका, टूट चुका हूं बेटी, टूट चुका हूं।
कहना शाबाश। कानून को तुम पर फख्र है कि तुमने फर्ज के रास्ते में किसी रिश्ते नाते को हायल नहीं होने दिया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हैरान होने की जरूरत नहीं शौकत मिर्जा, तुमने अपनी वफाशार बीवी की कदर नहीं की। मैंने इनका साथ दिया और शकीला बहन की ख्वाहिश के मुताबिक शबाना बेटी को एक पुलिस ऑफिसर बनाया, और मुझे बेहद खुशी है कि पुलिस ऑफिसर शबाना की कोशिशों से मेरा मंसूबा मुकम्मल हो गया। मंसूबा? हाँ शौकत मिर्जा, तुम जैसे मुजरिम आसानी से काबू में नहीं आते, कभी कभी उनके लिए जाल बिछाना पड़ता है। तुमने रूप बदला, नाम बदले, मगर आखिरकार हाथों में वही काला जेवर पहनना पड़ा, तो मुजरिमों का मुकद्दर और कानून की अजमत का निशान होता है। आओ चलो, अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला अदालत में होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। जैसे तकदीर ने अनगिनत खुशियां मेरी आंखों में सजा दी, जैसे दुनिया भर की दौलत मुझे मिल गई हो। सर बताओ, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? हर बात जुबान से नहीं कह जाती कमाल बाबू। वेलकम सर। याशेहो का, वन कमरा डबलो का, विद वाइफो का, हनीमून मनाइयो का। आई सी तो फिर फड़ी क्यों नहीं सी? सत के जाओ के ना जाओ। अबे आशिक तू आज जब फिर पूरे एक साल के बाद आए, क्या हाल है? ठीक है, देख नहीं रहे सेंचुरी मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैं क्लीन बोल्ड हो गया हूँ यार। हम तो एक से दो हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा क्या बना है? हम दो से तीन होने वाले हैं। तुम मेरे ऑफिस में बैठो, मैं अभी फोन सुन के आ रहा हूँ। चलो पूरे अरबों का। हेलो, यस कमाल बोल रहा हूँ जी। शबाना का एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, अभी आ रहा हूँ। शबाना, तुम यहाँ आराम से लेटी हो और मुझे इत्तला थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मगर ये वो एक्सीडेंट है जिसके बगैर दुनिया का कोई मर्द बाप नहीं बन सकता। अच्छा, तुम्हें बाप बन गया? तो क्या हुआ, बेटा हुआ? नहीं। तो फिर बेटी? नहीं, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, तो फिर दोनों। दोनों? जी हाँ, इसलिए कि हमारा सिस्टम जरा मुख्तलिफ है। जो हम